हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हो सारे। आई होप आप समझते होंगे और काफी बढ़िया होंगे। तो फाइनल काफी कमाल का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। आज का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है हेयर पर। तो आज जब भी फोटो शूट पे जाते होंगे तो आपके साथ एक प्रॉब्लम होती होगी, आपके हेयर खराब हो जाते हैं या यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। तो फोटो मतलब खराब आते हैं, अगर हमारा हेयर ही अच्छा नहीं हुआ तो फोटो का कुछ मतलब नहीं हुआ। तो आज का फोटो एडिटिंग पर सिखाने वाला हूँ आप अपने हेयर को कैसे एडिट कर सकते हो एक भी एकदम रियलिस्टिक तरीके। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, वीडियो को करना है फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि तुम्हारा भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो तुम्हारे तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हमारा यूजर नेम है मिस्टर साहब एडिट, ऊपर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो फॉलो भी कर लेना। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो चलिए आज के कमेंट में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऐप का आपको नाम मिल जाएगा एडोब फोटोशॉप फिक्स। तो ये आपको प्ले स्टोर में से आसानी से मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस ओपन होगा, आपको दिखेगा। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद ये आपको सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आपके जीमेल आईडी वगैरह मांगेगा लॉगिन, तो आपको कर लेना है। अगर वो करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मैंने लॉगिन पहले से ही कर रखा है तो वो बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा तो आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर आप टैप करोगे, पाँच ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको आप फोटो क्लिक करके ले सकते हो। एक आप जो फ़ोन दिख रहा है ऊपर आइकन, फ़ोन वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ से आपके सीधे गैलरी में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप फोटो कर सकते हो आराम से। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको एग्जांपल के लिए बताने के लिए। तो काफ़ी मतलब गजब का ऐप है, तो एक बार आप ट्राई करना। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे हेयर एडिट करने हैं। तो मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने फ़ोटो क्लिक किया था, तो मैं ये वाला ही थंबनेल में लगाया था जो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो हेयर थोड़ा सा सही नहीं लग रहे हैं। तो आपको इसे थोड़ा सा एडिट करने के लिए आपको क्या कर लेना है, तो जैसे ही फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने काफ़ी टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो क्रॉप भी आप कर सकते हैं, एडजस्ट और लाइक फी, तो हीलिंग, स्मूथ, लाइट, कलर, तो आप इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो मेन हम बात करने वाले हैं हेयर को एडिट करने के लिए। तो जो आपको थर्ड वाला टूल दिख रहा होगा एडजस्ट के पास, ये वाला टूल, तो इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपके इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे वर्क, स्वेल, ट्रिवल, तो आपको फेस काफ़ी कुछ टूल मिल जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाला वर्क दिख रहा है तो इस पर आपको टैप कर लेना है। तो ये कुछ साइज़ ऊपर आपको दिखेगा, वो नीचे आपको ये दिखेगा लाइनिंग। तो आपको क्या कर लेना है, साइज़ आपको ये बड़ा मिलेगा तो आपको इसे इस तरीके से नीचे की ओर उंगली को ले जाना है, तो ये साइज़ इस तरीके से आपके छोटा होने लग जाएगा। तो जैसे कि आपको जितना छोटा करना है उतना ये साइज़ आप रख सकते हो। तो मैं इतना इसे रहने देता हूँ और फिर फोटो को आपको जूम कर लेना है। फ़ोटो को जूम करने के बाद आपको जहाँ जहाँ हेयर है वहाँ वहाँ से आप इसे इस तरीके से एडिट कर सकते हो। तो साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हो, तो आपको साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लेना है जिससे काफ़ी फटाफट हो जाएगा हेयर एडिट। तो मैं इसे इस तरीके से आप देख सकते हो ऑटोमेटिक हेयर बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ से आपको सही नहीं लगा है वहाँ वहाँ पर आपको इसे ब्रश इस तरीके से कर लेना है, तो काफ़ी सही हो जाएगा ये, इससे हेयर आपका एडिट भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ब्रश को आपको अगर धीरे चल रहा है तो आप साइज़ बढ़ा सकते हो, तो ये काफ़ी फास्ट वर्क करने लग जाएगा। आपको अच्छी तरीके से इसे यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से आप ऊपर की ओर ले जाओगे तो हेयर आपके बढ़ने लग जाएंगे। तो आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, तो काफ़ी कमाल का हेयर एडिट हो चुका है। तो आप शेयर वाला आइकन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप गैलरी पर टैप करोगे तो सेव हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये ऐप, आई होप आपको मस्त लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो पसंद आया तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको चाहिए हो तो बोल देना, तो मैं इस पर लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।